नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र महावर आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम के लिए टॉपिक लेके आए हैं अनुवांशिकी जेनेटिक्स। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई अपडेट्स हमारे चैनल पे हो वो आपको टाइम से टाइम। स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन इसकी जो जनरल टर्मिनोलॉजी होती है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी अपनी अनुवांशिकी। देखिए दोस्तों, अनुवांशिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और ये जो जेनेटिक शब्द है वो सबसे पहले बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1906 में। बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अपन बात करते हैं वो है वंशागति। वंशागति हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण होना, मतलब एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाना हेरिडिटी कहलाता है। और हेरिडिटी शब्द सबसे पहले स्पेंशर नामक साइंटिस्ट ने स्पेंशर नामक साइंटिस्ट ने 1863 में दिया था। 1863 में सबसे पहले स्पेंशर ने वंशागति शब्द दिया था, हेरिडिटी दिया था। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें अपन तो वो आती है विभिन्नता। विभिन्नताएं, देखिए दोस्तों विभिन्नताएं क्या होती है। देखो, जीवों में पाई जाने वाली अलग अलग लक्षण या उनमें पाया जाने वाला अंतर ही विभिन्नता होता है। और विभिन्नता कब आती है, देखिए दोस्तों, हमारे जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका विभाजन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, जीन विनिमय। इसी के द्वारा कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अपन बात करेंगे वो है जीन। क्या है? जीन। देखिए दोस्तों, जीन अनुवांशिकी पदार्थ, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है जैसे कि डीएनए, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है या डीएनए जो होता है उसका एक छोटा खंड अपन कह सकते हैं या कहते हैं, छोटी से छोटी इकाई है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करने का काम करती हैं, उसको कहते हैं जीन। ग्रेगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट थे, जो अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इसी जीन को कारक के नाम से परिभाषित किया। किस नाम से? कारक या फैक्टर के नाम से उन्होंने इसको परिभाषित किया। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है अपनी युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी एलील, देखिए दोस्तों एलील क्या होता है, किसी जीव के अंदर जो जीन होते हैं वो दो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन युग्म विकल्पी कहते हैं। मतलब एक ही जीन के दो अलग अलग रूप होते हैं, उन रूपों को ही क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, युग्म विकल्पी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समयुग्मजी, समयुग्मजी। दूसरा होता है विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी। समयुग्मजी को अपन कहते हैं होमोजाइगस और विषमयुग्मजी को कहते हैं हेटेरो जाएगा।
देखिए दोस्तों दोनों को अपन समझते हैं वन बाय वन। देखें समयुग्मजी या होमोजाइगस मतलब होता है कि जो उसके विकल्प हैं, मतलब जो जीन के अलग अलग जो रूप है वो दोनों कैसे होंगे, सम मतलब समान होंगे। जैसे कि अपन बात करें जो पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स वाई, और फीमेल के अंदर मतलब स्त्री के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स एक्स। तो जो फीमेल के गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं समयुग्मजी, मतलब दोनों जो विकल्पी हैं वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन विषम युग्मजी की। उसी के जैसा है कि विषम मतलब अलग अलग, यानी कि जो विकल्पी होंगे वो कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, तो उसको कहते हैं विषम युग्मजी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें स्त्री की बात करी अपन ने, इसमें जो पुरुष होता है उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स और वाई, मतलब दोनों कैसे अलग अलग है, इसीलिए इसको कहा जाता है विषम युग्मजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपना जो आता है वो आता है संकरण। क्या आता है दोस्तों, संकरण। हाइब्रिड क्या आता है दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जीवों का आपस में क्रॉस होना या फिर लैंगिक क्रॉस होना, लैंगिक जनन होना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको कहा जाता है संकरण, या फिर अपन डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं नर और मादा के बीच में क्रॉस होना संकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, अपन अभी जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आगे अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर केवल टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है अपनी लक्षण प्ररूप। क्या आती है, लक्षण प्ररूप, फिनोटाइप। इसी के साथ एक टर्मिनोलॉजी और आती है जीन प्ररूप, जीन प्ररूप जिसको कहते हैं जीनोटाइप। दोनों को देखते हैं अपन, पहले देखते हैं अपन लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप मतलब होता है जीवों के अंदर जो कुछ लक्षण हैं वो क्या होते हैं, बाहर से ही दिखाई देते हैं, यानी बाहरी होते हैं, वो होते हैं लक्षण प्ररूप। जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या लक्षण उसके हैं, वो अपन को बाहर से ही दिखाई देते, जैसे कि पौधा लंबा है कि बौना है, वो अपन को बाहर से ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं लक्षण प्ररूप। नेक्स्ट है जीन प्ररूप। देखिए दोस्तों, जीन प्ररूप मतलब ये किससे बना है, जीन, जीन जो होते हैं वो डायरेक्टली अपन उसको देख नहीं सकते, उसकी वो जेनेटिकली स्ट्रक्चर होती है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उस वो होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं स्त्री पुरुष की बात अपन ने करी थी, तो क्या कहा था उसने, एक्स और वाई, एक्स एक्स और एक्स एक्स, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये दोनों की बात करी थी अपन ने, तो ये डायरेक्टली अपने को दिखाई नहीं देते। इनको कब पता चलता है अपन, जब अपन को उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जेनेटिकली स्टडी करते हैं, तो उसके जीन अपने को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जीन प्ररूप। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं लक्षणों की। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टर्मिनोलॉजी है वो है लक्षण। लक्षण क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, किसी भी जीव के अंदर पाया जाने वाला गुण। ठीक है, यानी कि उस जीव के अंदर, उस पौधे के अंदर, उस वनस्पति के अंदर क्या गुण है वो ही उसका लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है। यही लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक लक्षण होता है प्रभावी लक्षण, दूसरा लक्षण होता है अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण, दूसरा होता है अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो पहली पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, पहली पीढ़ी में नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं प्रभावी लक्षण।
और जो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं आगे जाकर दिखाई देते हैं उनको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण को हमेशा अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और अप्रभावी को स्मॉल लेटर में अपन लिखते हैं। जैसे कि अपन पौधे की लंबाई के बारे में लिखें, तो जो लंबा पौधा होता है, कैसा पौधा, लंबा पौधा होता है, उसको अपन लिखते हैं कैपिटल टी टी से, और जो स्मॉल छोटा पौधा होता है, बोना पौधा होता है, उसको लिखते हैं अपन स्मॉल टी टी से। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी जनरल टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप और जीन तीनों के साइंटिस्ट याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो ट्रिक है अभी बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक है आपके लिए याद रखने के लिए, कि एक जो साबुन आता है बच्चों को नहलाने वाला, जॉनसन साबुन, वही जॉनसन बेबी वाला साबुन है। जॉनसन साबुन से नहाओगे तो जीनोटाइप फिनोटाइप बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसमें होते हैं जीन। इसका मतलब ये है कि जॉनसन एक साइंटिस्ट का नाम है, और जीनोटाइप जो अपने आगे अभी पढ़ा है, जीन प्ररूप, फिनोटाइप जो भी अपन ने पढ़ा है, लक्षण प्ररूप और जीन ये भी अपन ने पढ़ा है, जो इकाई है वो, मतलब जो साइंटिस्ट है जॉनसन, यानी कि जॉनसन साइंटिस्ट है, उन्होंने इन तीनों शब्दों को बताया, तीनों शब्दों के बारे में बताया, फिनोटाइप, जीनोटाइप और जीन, इनके बारे में बताया। तो क्वेश्चन ये से आ जाता है दोस्तों कि जीन शब्द किसने दिया। ठीक है, तो ये तीनों अपन इससे याद कर सकते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीन, इनको डिस्कवर करने वाले, बताने वाले कौन थे, जॉनसन। ठीक है दोस्तों, और जॉनसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में अंतर को भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो इतनी ही, बाकी वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।